अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। हमारी दुआएं हैं कि आप सब खैर खैरियत हो और होम डेकोरेशन आइडियाज़ में एक बार फिर आपको खुश आमदी। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट और डिज़ाइनिंग और स्टाइल आपको पसंद आ रहा होगा। व्यूअर्स, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं डेकोरेशन के आइडियाज़, मुख्तलिफ स्टाइल, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, और आप देख सकते हैं इसमें वॉल आर्ट्स, 3D वॉल स्टाइल, और इसी तरह इसमें वॉल डेकोरेशन की डिज़ाइनिंग और स्टाइल के साथ साथ आप इनडोर प्लांट्स के स्टाइल भी देख सकते हैं। कैसे आप अपने घर के अंदर सीढ़ियों के नीचे, साइड कॉर्नर या इसी तरह आउटसाइड पर किस तरह एक मिनी गार्डन क्रिएट कर सकते हैं, वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। खूबसूरत टेरेस के साथ आप लाउंज में, इसी तरह हॉल कमरे में, या अगर आपने कोई सिटिंग एरिया बनाया हुआ है वहाँ पर भी आप मिनी गार्डन क्रिएट कर सकते हैं इनडोर प्लांट्स रखकर। या इसी तरह अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो आप दीवार के साथ भी हैंगिंग प्लांट वाल्स लगाकर बहुत ही खूबसूरत छोटा सा मिनी गार्डन क्रिएट कर सकते हैं। आज की कलेक्शन में आप इसी तरह के डिज़ाइन और स्टाइल देख सकते हैं। वाल के साथ किस अंदाज में ग्लास पॉट्स या इसी तरह हैंगिंग पॉट्स को किस अंदाज में लगाया जाता है वो भी आप देख सकते हैं। और इसमें आप मिनी प्लांट्स, फ्लावर्स, और इसी तरह आप इनमें बहुत ही खूबसूरत बेल्स के डिज़ाइन और इसी तरह मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग के पौधे क्रिएट कर सकते हैं और एक आप मिनी गार्डन अपने घर के अंदर ही डेकोरेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, आप स्टैंड बनवा कर भी उनमें इस तरह के पौधे या गमले रख सकते हैं। इसी तरह साइड रैकिंग या आप इस तरह बहुत ही खूबसूरत बॉक्स कलरफुल से लगा कर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। आप लॉन की साइड कॉर्नर या वॉल्स पर भी इस तरह के हैंगिंग प्लांट या इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मुख्तलिफ स्टाइल आप अगर बाहर वॉल साइड या आउटसाइड एरिया या आप बरामदे में, बालकनी में भी डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं पौधों के साथ तो आप इसी तरह करवा सकते हैं बालकनी में डेकोरेशन। और इसी तरह मुख्तलिफ स्टाइल और डिज़ाइनिंग हम आपको दिखा रहे हैं कि आपने अपने घर में लॉन में या पोर्च साइड एरिया, इसी तरह बैक यार्ड और बालकनी में किस किस्म की डिज़ाइनिंग करके आप अपने घर को मज़ीद खूबसूरत और स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। इसी तरह कुछ लोग सीढ़ियों के नीचे भी डिज़ाइनिंग करवाना पसंद करते हैं, जैसे कि मिनी गार्डन या आप वहाँ पर लाइटिंग और छोटे गमले भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने लॉन या किचन के साइड कॉर्नर या इसी तरह हॉल कमरे में भी इस तरह के कॉर्नर साइड पर आप इस तरह की रैकिंग लगाकर आप उसमें ग्लास वॉल और इसी तरह हैंगिंग प्लांट लगा सकते हैं और उनमें आप अपनी मर्ज़ी की क्रिएशन कर सकते हैं। इसमें आप मिनी प्लांट भी लगा सकते हैं, इसी तरह आप फ्लावर्स के भी मुख्तलिफ स्टाइल और डिज़ाइनिंग से मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। व्यूअर्स, आज की कलेक्शन में कई तरह की डिज़ाइनिंग और स्टाइल आप देख सकते हैं। अगर आपने बेलों के साथ डिज़ाइनिंग करवानी है तो वो भी आप करवा सकते हैं। आजकल ये फैशन में इनमें बहुत स्टाइल फैशन बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप हॉल कमरे में, लाउंज में या सिटिंग रूम, इसी तरह आप बेडरूम में भी इस तरह की क्रिएशन करवा सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन और स्टाइल हैं जो कि वॉल पैनल और इसी तरह आप साइड रैक की डिज़ाइनिंग देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये तमाम डिज़ाइन और स्टाइल आपको अच्छे लगेंगे और आप भी इस तरह अपने घर की दीवारों पर और इसी तरह सीढ़ियों पर और इसी तरह आप आउटसाइड या मेन एंट्रेंस में भी इस तरह की गैलरी में करवा सकते हैं डेकोरेशन। और व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और आप इस कलेक्शन को एंड तक देखें, अगर आपको ये डिज़ाइनिंग और स्टाइल अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और आप इस तरह हमारे चैनल को विज़िट करते हैं, हमें दें इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।